यहाँ पे फ्रेंड्स हमने आम लिया है जिसे छील लिया है और इसे सादे पानी में ही बॉइल्ड करेंगे, बहुत टेस्टी सा लगता है। आम में कुछ भी हमें डालना नहीं है, बस इसे सादा। तो कितना मस्त यहाँ पे आम बॉइल्ड हो रहा है, ये देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आम हमारा पक गया है बिल्कुल ही। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे आम पक गए हैं, तो मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ, ये देखिए। तो आम को होने देते हैं 5 मिनट के लिए ठंडा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आम का पानी अलग कर दिया है, तब बताते हैं क्या करना है। दोस्तों यहाँ पे हमने कढ़ाई ले ली है, बिल्कुल 1 चम्मच हमें यहाँ पे तेल का इस्तेमाल करना है। तो थोड़ा सा हमने तेल लिया है, यहाँ पे हमने जीरा डाला 1 चुटकी। तो जीरा को तड़का लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे हमने गेहूं का आटा लिया है तकरीबन 1/2 किलो, इसे भूनेंगे। तो अच्छे से भून लेते हैं। तो आटे को फ्रेंड्स हमें तब तक भूनना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो, यानी लाल ना हो जाइए। तो धीमी आंच पे इसे धीरे धीरे भूनना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा आटा भून गया है, देखिए इसमें अच्छा सा लाल कलर आ गया है। तो इसे हम निकाल लिए कढ़ाई से बाहर, तो दूसरे बर्तन में हमने ले लिया है। तो आटे को ठंडा होने देते हैं। तो ये हमारा चूरन तैयार हो गया है फ्रेंड्स, ये बहुत पारंपरिक नाश्ता है लेकिन बहुत मस्त लगता है खाने में। कढ़ाई में इस आटे को डाल देंगे, ठंडा करने के बाद फिर से डाल रहे हैं। आप बोलेंगे ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप देखते जाइए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बनता है ये। तो आटा को हमने ठंडा कर लिया है, फिर से कढ़ाई में गैस ऑन करके रख दिया है और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो तकरीबन हमने 1/2 लीटर पानी डाल दिया है इसके अंदर, इसे फेंटते जाना है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी और हमने डाल दिया है। तो बहुत हमारा हेल्दी है ये आम का हलवा, इसे आम का हलवा कहते हैं हमारे घर पे और बहुत ही इसे पसंद किया जाता है, बच्चे बहुत मजे से खाते हैं इसे। तो इसे फेंटते रहना ताकि इसमें गुठलियां ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बैटर हमारा गाढ़ा हो गया है। तो हमने लिया है 1/2 किलो आटा और उसमें डालेंगे 1/2 पाव चीनी। तो मिठास के लिए 1/2 पाव हमने चीनी डाल दिया है, यानी तकरीबन 1/2 कटोरी चीनी डाल दिया है इसके अंदर। तो देख लीजिए बैटर हमारा गाढ़ा हो गया है, यानी कुछ ही मिनटों में ये पक जाएगा। और धीमी आंच पे इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, नहीं तो इसमें गुठलियां बैठ जाएगी। तो धीमी आंच पे इसे चलाते रहिए, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसे चलाते रहना है। आप देखेंगे कि ये तब तक बैटर गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बैटर हमारा सूख गया है, तो एक एक हम आम इसके ऊपर अंदर बिछा देंगे अच्छे से। तो ये देखिए फ्रेंड्स आम को हमने डाल दिया है, आम का हलवा हमारा रेडी हो गया है, ये देख लीजिए। अब गैस को हमें कर देना है बंद और थोड़ा इसे ठंडा होने देना है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स आम का हलवा यहाँ पे रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हम सर्व कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए कितना मस्त लगेगा। इस आम के हलवे से फ्रेंड्स लू नहीं लगती है फ्रेंड्स। इसे काजू से हम सर्व करेंगे, आप अपना मन चाहे ड्राई फ्रूट्स इस पे डाल सकते हैं। तो रेडी है आम का हलवा। तो देखिए फ्रेंड्स आम का हलवा रेडी हो गया है, बहुत ही मस्त लगता है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें।